और अब न्यूज 100। इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर में लॉन्च किया सैटेलाइट GSAT-9। शाम 4:57 पर किया गया लॉन्च। करीब 49 मीटर लंबा और 450 टन वजनी है सैटेलाइट GSAT-9। 3 चरणों वाला रॉकेट है GSLV-1। इसमें पहला चरण ठोस ईंधन, दूसरा चरण तरल ईंधन और तीसरा है क्रायोजेनिक इंजन। करीब 235 करोड़ रुपए रही सैटेलाइट प्रोजेक्ट की लागत। पाकिस्तान को छोड़कर सात के सात देशों को मिलेगा सैटेलाइट प्रोजेक्ट से फायदा। साउथ एशिया सैटेलाइट रखा गया GSAT-9 सैटेलाइट का नाम। पाकिस्तान ने खुद भारत से किया साउथ एशिया सैटेलाइट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार। खुद के अंतरिक्ष कार्यक्रम का दिया हवाला। पीएम मोदी ने साउथ एशिया सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण पर देश और इसरो को दी बधाई। लॉन्चिंग को लेकर सात देशों के अध्यक्षों के साथ पीएम मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस। प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए साथी नेताओं का आभार जताया। पीएम ने कहा कि साउथ एशिया सैटेलाइट की क्षमता और सुविधाएं दक्षिण एशिया के आर्थिक विकास में करेंगी मदद। भारत के तोहफे पर मित्र सात देशों के नेताओं ने जताई खुशी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा भारत को बधाई। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कथनी और करनी के बीच की खाई आज पट गई। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने भी भारत की मदद पर जताया आभार। निर्भया केस के चार दोषियों को फांसी की सजा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफी के लायक नहीं है अपराध। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने ताली बजाकर किया स्वागत। 3 जजों की बेंच ने 27 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था। फैसला आने के बाद जज ने कहा दोषियों को धरती पर रहने का अधिकार नहीं, वारदात से मानसिकता का पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा लगता नहीं ये गुनाह इस दुनिया में हुआ है, चारों दोषी विकृत मानसिकता वाले। निर्भया के माता पिता ने फैसले पर जताई खुशी। पिता ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दर्द को समझा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां का बयान, फैसले से रेपिस्ट को मिलेगा जवाब। कहा सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने को लेकर हमेशा से था भरोसा। ज्वाइंट सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा दिल्ली पुलिस ने केस को चैलेंज के तौर पर लिया, प्रोफेशनल तरीके से की जांच। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने फैसले पर जताई खुशी। कहा फैसले ने निर्भया को इंसाफ दिलाया। दोषियों के वकील ने किया बचाव। कहा समाज में संदेश देने के लिए किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, मानव अधिकारों का बताया उल्लंघन। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के गवर्नर NN वोरा। जम्मू कश्मीर के ताजा हालात की दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के आतंकियों की नापाक करतूत फिर से सामने आई। एक युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। कश्मीर के पुलवामा में 2 बैंक लूटने वाले आतंकियों का पोस्टर जारी। कई जगह लगाए गए आरिफ नाम के आतंकी के पोस्टर। 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। सैनिकों से बर्बरता पर शिवसेना का केंद्र पर निशाना। सामना में लिखा फिर सबूत जमा हो रहे हैं, कब देंगे मुंहतोड़ जवाब। बीजेपी सांसद हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार महिला के बारे में नए खुलासे। कांस्टेबल पर भी किया था रेप का केस। 70,000 लेकर मुकरी। पिता और भाई से भी पूछताछ। मालेगांव ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार और NIA को नोटिस। कर्नल पुरोहित ने दायर की थी जमानत याचिका। 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड के रुड़की में मुस्लिमों को संघ से जोड़ने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सेमिनार शुरू। 500 मौलवी ले रहे हैं हिस्सा। गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी से मांगा जवाब। पार्टी को विदेशों से मिल रहे पैसे की जानकारी देने को कहा। FCRA के उल्लंघन का शक। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए केंद्र करेगा सहयोग। केंद्र ने दिए 1263 करोड़ रुपए। सीएम योगी ने खुले में शौच पर कहा दिसंबर 2017 तक 30 शहरों को दिलाएंगे मुक्ति। अक्टूबर 2018 तक पूरा प्रदेश होगा शौच मुक्त। समाजवादी पार्टी में फूट। मुलायम सिंह होंगे समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के नए अध्यक्ष। शिवपाल यादव ने किया ऐलान। शिवपाल के सेक्युलर मोर्चे पर अखिलेश यादव का तंज। कहा पहचानता हूं कौन है आस्तीन का सांप। बोले सपेरे तो कहीं से भी निकाल सकते हैं सांप। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी में फूट की अटकलों को भी बताया गलत। कहा भविष्य में भी कांग्रेस से दोस्ती रहेगी जारी। नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह को CBI जांच से बचाने के लिए अखिलेश सरकार ने की थी कोशिश। RTI में हुआ खुलासा, वकीलों पर 21 लाख से ज्यादा खर्च। मायावती के भाई और BSP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार पर केस दर्ज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने धोखाधड़ी केस में अन्य आरोपियों के खिलाफ भी FIR का आदेश दिया। UP के एटा में रेलिंग तोड़कर मिनी ट्रक पानी में गिरा, 14 लोगों की मौके पर ही हुई मौत, 23 घायल। एटा हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। कश्मीर के पत्थरबाजों के लिए निपटने के लिए कानपुर में बनाई गई जनसेना। साधु संतों ने तैयार की है ये सेना। 7 मई को कश्मीर रवाना होगा पहला जत्था।
ट्रिपल तलाक का विरोध करने पर बरेली की निदा खान पर जानलेवा हमला, घर में घुसपैठ की तोड़फोड़, कमरे में बंद होकर बचाई जान। अलीगढ़ के छात्रों की सीएम योगी से अपील, स्कूलों में नहीं है बिजली, पढ़ाई करने में होती है परेशानी। लखनऊ में जानकीपुरम की झुग्गी बस्ती में लगी आग, एक बच्चे समेत तीन लोग झुलसे, इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत। मुरादाबाद में दारोगा पर अश्लील मैसेज और धमकी देने का आरोप, महिला ने डीआईजी से की शिकायत। यूपी के बुलंदशहर में बाप ने की बेटे की हत्या, जमीन को लेकर विवाद, छोटे बेटे के साथ मिलकर की गई हत्या। यूपी के बांदा में इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए दो भाइयों पर मां को गाड़ी से कुचलकर मारने का आरोप, हिरासत में हुए दोनों आरोपी। वाराणसी में स्कूल के बच्चों के लिए तरबूज पार्टी, फास्ट फूड के खिलाफ मौसमी फलों को खाने की जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजन किया गया। दिल्ली के लाल किला परिसर में हैंड ग्रेनेड मिला, एनएसजी की टीम जांच में जुटी। दिल्ली के एनजीएमसी इलाके में तेज रफ्तार कार ने खड़ी कार में टक्कर मारी, हादसे के बाद पलट गई कार, एक युवक घायल। पंजाब के फिरोजपुर में दो अकाली नेताओं की हत्या के मामले में पकड़ा गया तूल धरने पर बैठे सुखबीर सिंह बादल, हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। पंजाब के सरहद से पकड़ा गया 12 साल का पाकिस्तानी बच्चा, बीएसएफ के मुताबिक मूक बधिर है बच्चा, गलती से आया सरहद पार। पंजाब के भटिंडा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 10 अफसरों को कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने किया सस्पेंड, फ्लैट्स निर्माण में अनियमितताओं का आरोप। पंजाब में गरीबों के लिए सरकार ने शुरू की सांझी रसोई, 10 रुपए में भरपेट मिलेगा खाना। शिमला और मंडी की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का कब्जा, जन्नत का लुत्फ उठाने सैलानियों की लगी भीड़। उत्तराखंड की काशीपुर में शराबी दूल्हे को लौटाया गया, लड़की ने शादी करने से किया इनकार, शादी के चौखट से लौटी बारात। यूपी की तर्ज पर एमपी में भी कम होगी सरकारी छुट्टियां, महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि पर छुट्टियां होंगी बंद, डीपीआई ने रद्द किया हाल ही में जारी अवकाश कैलेंडर। एमपी में 108 एम्बुलेंस कर्मचारी भोपाल की सड़कों पर उतरे, आम लोगों से भीख मांगकर जताया विरोध। इंदौर में दर्दनाक हादसा, युवक की लिफ्ट में फंसने से हुई मौत, एक घंटे तक नहीं पहुंची मदद, अवैध ढंग से लगाई गई थी लिफ्ट। ग्वालियर में एक शराबी युवक की भीड़ ने की पिटाई, नशे में महिला से हुई टक्कर, पुलिस ने केस दर्ज किया। बिहार के शराबबंदी के बाद जब्त 9 लाख लीटर शराब पी गए चूहे, पटना में पुलिस वालों ने एसएसपी के सामने दी अजीबोगरीब दलील, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में झूमी खाकी, एक थाने के एसएचओ नशे में ही पहुंचे थाने, एसएसपी को किया गया निलंबित। बिहार के छपरा में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पिटाई, बाद में पंचायत ने कराई दोनों की शादी, पुलिस को नहीं लगी मामले की भनक। ओडिशा के कोरापुट में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे वाहनों को लगाई आग, एक जेसीबी, एक ट्रैक्टर और एक सीमेंट मशीन को जलाकर किया खाक। जयपुर के निम्स अस्पताल पर प्रेग्नेंट महिला के साथ बदसलूकी का आरोप, नाराज गांव वालों ने हंगामा किया। राजस्थान के डूंगरपुर में शिक्षा विभाग ने किया लैपटॉप वितरण समारोह, 73 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को बांटे लैपटॉप। राजस्थान के बारा में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, करीब 70 जोड़े विवाह के परिणय सूत्र में बंधे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, एक फ्लैट पर छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, करीब 2.5 लाख रुपए जब्त हुए। पंजाब के कोटकपूरा में किसान से लूट, बाइक सवार नकाबपोश लुटेरों ने आंखों में स्प्रे डालकर 3 लाख रुपए छीने। एमपी के मुरैना की जिला जेल में बड़ी लापरवाही, विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर दी जान। राजस्थान के डूंगरपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, ससुराल पक्ष ने कहा महिला ने की खुदकुशी, लड़की के माता पिता को हत्या का शक। अजमेर के जैन मंदिर में लाखों की चोरी, दीवार तोड़कर मंदिर में घुसे चोर, मूर्तियों से लेकर जेवर तक ले गए। राजस्थान के झालावाड़ में एक दंपत्ति ने की खुदकुशी की कोशिश, महिला ने खुद को लगाई आग, तो वहीं पति ने जहर पीकर जान देने की कोशिश की। राजस्थान के भरतपुर से पुलिस ने केरल के व्यापारी को छुड़ाया, अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 90 लाख की फिरौती। बिहार के बांका में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की, 210 बोतल अंग्रेजी शराब के अलावा 240 पाउच देसी शराब भी जब्त की। झारखंड के जामताड़ा में दहेज के लिए महिला की हत्या, घर पर संदिग्ध हालत में फंदे से लटकता मिला शव। झारखंड के गोड्डा में नाबालिग लड़की की शादी कराई, जबरदस्ती मांग से भरा सिंदूर, हंगामे के बाद परिवार फरार। दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, टैक्सी में छूटे बैग को लौटाया, बैग में लैपटॉप, मोबाइल, ज्वेलरी समेत करीब 8 लाख का था सामान। केरल में 7 दिन तक चलने वाला त्रिशूरपुरम फेस्टिवल शुरू, उत्सव में हाथियों को सजाने की विशेष परंपरा। पाकिस्तान के रावलपिंडी में नवाज शरीफ के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत, नवाज शरीफ पर सेना के खिलाफ टिप्पणी करने का है आरोप।
टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले की बीसीसीआई से अपील, कहा विराट एंड कंपनी खेलना चाहती है चैंपियंस ट्रॉफी। गौतम गंभीर को चैंपियंस ट्रॉफी में मिलना चाहिए मौका, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने की वकालत। स्पिन और पेस की जंग में पाकिस्तान की हार, दूसरी पारी में 81 रन पर सिमटी पाकिस्तान की पारी, वेस्टइंडीज ने 106 रन से जीता मैच। पाकिस्तान की हार के बावजूद पीसीबी ने की कप्तान मिसबा की तारीफ, चेयरमैन शहरयार खान ने मिसबा को इमरान खान से अच्छा कप्तान बताया। अजलान शाह हॉकी कप में भारत मलेशिया का मुकाबला जारी, मलेशिया ने बनाई बढ़त 1-0 से आगे। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे शिव थापा और सुमित, विकास कृष्णन ने सेमीफाइनल में विरोधी को दिया वॉकओवर। बैडमिंटन फेडरेशन ने खिलाड़ियों को बांटी 1,60,00,000 रुपए की इनामी राशि। अब हिजाब पहनकर बास्केटबॉल खेल सकती है महिलाएं, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन ने दी इजाजत। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी का बैन हटा, चिली के खिलाफ मैच में अपशब्द कहने पर लगा था 4 मैच का बैन। एनपीए को खत्म करने की तैयारी तेज, एनपीए पर ऑर्डिनेंस को राष्ट्रपति की मंजूरी, बैंकिंग रेगुलेशन कानून में बदलाव पर भी मुहर। 9,300 के नीचे लुढ़का निफ्टी, सेंसेक्स 267 और निफ्टी 75 अंक गिरकर बंद। क्रूड कीमतों में भारी गिरावट, 2 दिन में WTI और ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 8% लुढ़का। गिरावट के बाद सोने चांदी की कीमतों में रिकवरी, MCX पर सोने का भाव करीब 30 रुपए बढ़ा, चांदी में करीब 40 रुपए का इजाफा। फ्लाइट में हंगामा रोकने के लिए उड्डयन मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, विमान यात्रियों के लिए बनाई गई 3 अलग अलग कैटेगरीज। हवाई सफर में मामूली झगड़े पर 3 महीने तक का बैन, मारपीट या छेड़छाड़ करने पर 2 से 6 महीने सस्पेंड और जान से मारने की धमकी पर 2 साल की पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट का नेशनल कंज्यूमर कोर्ट को आदेश, यूनिटेक से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई 8 हफ्तों में पूरी करने को कहा, फ्लैट खरीदारों की याचिका पर आदेश। मध्य प्रदेश में रेरा कानून और सख्त, पोजेशन में देरी पर बिल्डर को देना होगा 10% ब्याज। वाराणसी में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने की गंगा आरती, अपनी फिल्म द क्वीन ऑफ झांसी मणिकर्णिका की शूटिंग करने वाली है शुरू। द क्वीन ऑफ झांसी पर बोली कंगना रनौत, कहा कमाई के मामले में बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ देगी मेरी फिल्म। सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट का टीजर हुआ रिलीज, दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के प्रमोशन के लिए रखा गया एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट, अर्जुन श्रद्धा के साथ फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी भी रहे मौजूद। सैफ अली खान की फिल्म बाजार का पहला पोस्टर रिलीज, फिल्म बाजार में सैफ एक शातिर बिजनेसमैन के रोल में दिखेंगे।